पता है आज हम कांजाबेड़ा माता मरियम के श्राइन में आए हुए हैं। यहाँ पे फादर प्रकाश है जो यहाँ के रेक्टर है, तो थोड़ा इनसे सवाल पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये श्राइन कब से था और इसके क्या महत्व है। तो फादर थोड़ा बताइएगा आपको ये श्राइन कब से है यहाँ पर। सबको जय यीशु। मैं फादर प्रकाश हूँ, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कांजाबेड़ा माता मरियम के इस मंदिर 1905 से लेकर यहाँ पर उपस्थित है। इसकी इतिहास ऐसे जाती है, 1902 में जैसे ही जर्मनी के मिशनरी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, पूरे मध्य प्रदेश महामारी, आज के इस कोरोना के जैसा उस समय महामारी प्लेग से पीड़ित, इसलिए उन लोग जितने मेडिसिन जो जर्मनी से लाए थे उन सब अड़ोसी पड़ोसी सब गाँव के लिए बांटा, लेकिन उनसे नहीं संभाल पाए। आखिरी में उन्होंने ऐसे एक मन्नत ली, यदि हम सब इसके वजह से मर नहीं जाएंगे, हम माता मरियम के आदर में एक मंदिर बनवाएंगे। जैसे उन्होंने इस मन्नत ली, नेक्स्ट साल देर इज 1903 में ही पूरे मध्य प्रदेश महामारी प्लेग से फ्री हो जाते हैं। वो उनके लिए एक व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक अनुभव बन गया। जब से उन लोग एक अच्छा मौका के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि जब इस महान कार्य एक मंदिर माता मरियम के आदर में मंदिर बनाना कब शुरू करेंगे, और जैसे ही उन्होंने उचित समय समझा, जब नागपुर के महामर धर्माध्यक्ष बिशप मरियस स्टीफन बनवेंजर खंडवा विजिट करने के लिए आए थे, उस समय 1905 में इस माता मरियम के मंदिर के लिए आधारशिला रखा गया है। तो फादर, मुझे ये एक सवाल और आपसे पूछना था कि यहाँ पर जैसे हर श्राइन का त्यौहार रहता है, तो ये श्राइन का त्यौहार कब आता है? कांजाबेड़ा माता मरियम का पर्व फरवरी माह के लास्ट संडे को हमेशा हम मनाते हैं। तो एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं फादर आपसे कि यहाँ पे कुछ वीकली प्रेयर्स होती है क्या यहाँ पर भी? कांजाबेड़ा माता मरियम के मंदिर में हर रोज हमारे लिए प्रार्थना है। सुबह 7 बजे हम मिसा बलिदान चढ़ाते हुए ये विशेष प्रार्थना करते हैं, और शाम को हर दिन हमारे लिए रोसरी माला, माता मरियम की भक्ति की प्रार्थना है, रोसरी माला की प्रार्थना हम बोलते हैं। और विशेष तरीके से माता मरियम का एक दिन माना जाता है सैटरडे, हर सैटरडे को शाम को 4:30 बजे हम प्रार्थना करते हैं, और एक विशेष चंगाई प्रार्थना जो यहाँ पर होती है हर महीने के पहले शनिवार को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक हम यहाँ पर एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। तो मेरा एक पर्सनल सवाल है फादर, जैसे हम यहाँ ऊपर आते हैं श्राइन में, तो यहाँ बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ इतनी ग्रीनरी कैसी हुई है? मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, 2016 में एक परिवार यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए थे, सुप्रियन परिवार नेपा नगर से उनके 2 बच्चों के साथ। जैसे यहाँ पर उन लोग पहुँचे हैं और माता मरियम के मंदिर के एकदम अंदर जाके उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, अचानक मंदिर के अंदर इतना उजाला भर गया, उन्होंने मंदिर के अंदर माता मरियम रोती हुई उनको दिखाई दिया, उन्होंने एक आवाज सुना मंदिर के अंदर से, पेड़ पौधा लगाओ। एक्चुअली उसी साल 2016 में हमारे लिए यहाँ पर बैडा के ऊपर 260 फीट में हमें बोरवेल में पानी भी मिला, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा था ईश्वर ने पहला हमें पानी दिया और अभी हमें कहते हैं कि पेड़ पौधा लगाओ। और मुझे भी एक मुझे इस बात की एक आध्यात्मिकता ही समझते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को हरा भरा बनाया है, लेकिन हम अपने स्वार्थ लाभों के लिए काट पीट के इतना बंजर भूमि बना दिया, इसलिए हम सबों की एक जिम्मेदारी है फिर से इस पूरी दुनिया को हरा भरा बनाना। इसलिए अक्सर आप लोग जरूर देखे होंगे अलग अलग चर्चेस में कैंडल लगाते हैं, अगरबत्ती लेके आते हैं, और मंदिरों में भी लोग ना कोकोनट लेके जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं इन सब चीजों के जगह में कुछ पौधा लेके आइए और कुछ बीज लेके आइए। हम यहाँ पर और हमारे इस कांजाबेड़ा मंदिर के चारों ओर ऑलमोस्ट 100 एकड़ से ज्यादा जरूर होगा जो गवर्नमेंट लैंड है, उन सब जगह में हम पेड़ लगाएंगे, इस जगह को एक फॉरेस्ट बनाएंगे। अफॉरेस्टेशन हमारे लिए एक जिम्मेदारी हम मुझे लग रहा आज के तारीख में, और हम इस प्रोजेक्ट को ग्रीन रिसरेक्शन प्रोजेक्ट करके एक नाम में हम इस प्रोजेक्ट को हम अभी चला रहे हैं। हम आप सबों से भी अनुरोध करते हैं, जो कोई अभी मुझे सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम देख रहे हैं, जरूर आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी जरूर कुछ पौधा लेके आइए, हम आपके नाम में हम लगाएंगे। हमारे एक विश्वास है, जब हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जब तक ये मोमबत्ती कदम नहीं होता तब तक हमारी प्रार्थना ईश्वर के सामने है,
यदि उसी मतलब लेते हुए यदि एक पौधा के पौधा लगाएंगे शायद एक दो पीढ़ी तक वही प्रार्थना लेके ईश्वर के सामने वो पेड़ बने रहेंगे। जरूर हमारे यहाँ पर जितने पेड़ पौधे आप लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे हमने लगा चुके हैं, उन सब प्रत्येक पेड़ के साथ एक प्रार्थना भी है। इसलिए सिर्फ पेड़ पौधा नहीं देख रहे हैं, इन सबों के साथ एक आध्यात्मिकता एक प्रार्थना आप लोग कांजा बेड़ा में आप लोग देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो फादर हमें बता रहे हैं कि पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं और इतना ही आप मानोगे नहीं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं इतनी ग्रीनरी है और इतना मजा आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप पूरे सीन देखिए, यहाँ पर पूरी ग्रीनरी दिख रही है और जैसे फादर बता रहे हैं हमको वैसे इनिशिएटिव लेके चले गए। तो हम हर जगह खंडवा से भी काफी लोग यहाँ पर ऑलरेडी अलग अलग पौधा लेके आ रहे हैं। जैसे ही धीरे धीरे लोगों को इस हमारे इस कार्य के प्रयास के बारे में लोगों को पता चल रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट करके यूथ लोगों के एक ग्रुप खंडवा से आए थे, उन लोग करीब 150 फलदार वृक्ष यहाँ पर आके उन लोग स्वयं आके उनका गड्ढा बनाया और पौधा लगाया, काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी हम पानी देंगे, हम संभालेंगे और साथ ही साथ यदि कोई पेड़ पौधाओं को क्या बोलते हैं इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऑलमोस्ट 1 प्लांट के लिए साल भर 1000 रुपया और 1200 रुपये के आसपास खर्चा होगा एक पौधा बढ़ाने के लिए, मेरे ख्याल से मेरे अनुभव से जो बताना चाहते हैं। इसलिए यदि कोई पौधा लगाना चाहते हैं उन लोग मोस्ट वेलकम, और यदि कोई कुछ पौधाएं स्पॉन्सर करना चाहते हैं अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको भी विशेषकर हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। तो यहाँ जब आएंगे आप तो एक पौधा जरूर लेके आइए। आप जैसे मिस्सा सुनने आते हैं या प्रेयर करने आते हैं तो आप कैंडल लेके आते हैं, आप मोमबत्ती लेके आते हैं, आप माला लेके आते हैं, तो एक बार एक पौधा भी लेके आ जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। एक नया इनिशिएटिव है और फादर बोल रहे हैं कि हम उसका ध्यान भी रखेंगे, वो भी बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ से सुनकर। तो फादर जी मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना करते हैं माता मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता द्वारा आप सबके सब अनुग्रहित।